अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आज जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मेरी वीडियो स्पेशली एक बहुत ही एक वायरल जो आजकल एक वीडियो हो रही है तो उसके मुतल्लिक है। जैसा कि आपने देखी होगी, आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखी हो जो हमारे बहुत ही एक फेमस डॉक्टर अफ़ान केसर हैं, उनकी एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा आजकल वायरल हुई हुई है, जिसमें वो समोसे के मतलब बता रहे हैं कि वो हेल्थ के लिए कितना ही ख़राब है। और इसके अलावा वो मुख्तलिफ ऐसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं उनकी सेहत के लिहाज से, और उनको आगाही कर रहे हैं, आगाही दे रहे हैं कि वो अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं, कौन सी चीज़ें उनके लिए उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इस लिहाज तक तो मैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एग्री करती हूँ। तो मेरा जहाँ तक नज़रिया है, मेरे ख्याल से इंसान को अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटली हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी सेहत तो ठीक हो गई लेकिन अब ये उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों ने बहुत अपनी ज़िंदगी और भी ख़त्म किया है, और उनकी ज़हनी कंडीशन की वजह से उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी दबा हुई है। तो मेरे ख्याल से जितनी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है उतनी आपकी मेंटली हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक आप अपने ज़हनी सुकून का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप फिज़िकल भी ख्याल नहीं रख सकते। तो अगर आप फिट रहना चाहते हैं, आपको अपने ज़हन की ज़हनी सुकून का भी ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आपका ज़हन मेंटल हेल्थ आपकी ठीक होगी तो आप अपना ख्याल रख सकते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सी बीमारियाँ थी, वो फिर भी सरवाइव कर गए थे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं भी थी वो फिर भी इस दुनिया से बहुत जल्द चले गए। तो ये तो सारे इंसान के जितनी लिखी होती है उतनी इंसान को मिलनी है, चाहे आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें चाहे ना रखें, लेकिन फिर भी सबको अपनी हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर आपकी हेल्थ नहीं है, आपकी सेहत नहीं है, तो फिर कुछ भी आप ज़िंदगी में कोई काम भी नहीं कर सकते, ना आपसे कोई कुछ भी आप ज़िंदगी में अचीव नहीं कर सकते जब तक आपकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ आपकी ज़हनी सेहत ना हो। तो अपनी ज़हनी सेहत का भी उतना ही ख्याल रखें जितना आपकी जिस्मानी सेहत ज़रूरी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।